प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन यानी कि पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 18 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6, 7, 8 यानी कि तीनों क्लासेस के लिए कॉमन वर्कशीट है 7 फरवरी की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में। और हाँ, अगर आपकी पुरानी नई कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नया पुरानी सारी वर्कशीट आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, साथ ही आपको बहुत कुछ नया सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो चलिए पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर आपको मेन जो है दो लोग दिख रहे हैं, यानी कि एक और एक दो। तो ये है हमारे अकबर, सम्राट अकबर का नाम आपने सुना होगा। तो ये अकबर हैं और ये उनके साथ रहने वाले बीरबल हैं। तो अकबर और बीरबल की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। तो चलिए आज हम अकबर और बीरबल की इसी कहानी को पढ़ते हैं। ओके, और कुछ इसमें गतिविधियाँ दे रखी हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे हम। चलिए देखते हैं, बहुत ही सुंदर सी कहानी है। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। जो हमारे बादशाह अकबर हैं वो हमेशा बीरबल की परीक्षा लेते थे और बीरबल को टेस्ट करते थे कि बीरबल मेरे इस प्रश्न का क्या जवाब देते हैं, या बीरबल जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। तो हमेशा वो प्रश्न करते रहते थे, बुद्धि का टेस्ट लेते थे। और बीरबल भी कभी भी हार नहीं मानते थे। और बीरबल क्या करते थे, हर परीक्षा में खरे उतरते थे, यानी कि सभी जो भी सवाल अकबर पूछते थे उनके सबके जवाब देते थे। चलिए देखो, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। और आपने क्या करना, सबसे पहले लाइक करना है और शेयर भी करें आप इस कहानी को अपने सभी दोस्तों को। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। जो अकबर है हमारे और बीरबल है, दोनों जो है वो बगीचे में टहल रहे थे अपने। क्या हुआ कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की बात सूझी। तो जो हमारे बादशाह अकबर है वो एवी कभी भी परीक्षा टेस्ट ले लिया करते थे, जब मन करा उन्हें किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े टॉपिक में। और वो सोचते थे कि शायद बीरबल इसका जवाब ना दे पाए, और ये भी सोचते थे कि देखते हैं कि बीरबल जो है वो किस तरह जवाब देते हैं। तो चलिए, टहलते टहलते एक सवाल सूझा। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा। तो पास में एक लकड़ी थी और बड़ी मोटी सी थी। तो बीरबल को कहा अकबर ने इशारा करते हुए कि बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते, मतलब लकड़ी को काटना नहीं है लेकिन छोटा करना है। अब बीरबल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि भाई लकड़ी को छोटी करनी हो तो काटना तो पड़ेगा, लेकिन बीरबल कभी हार नहीं मानते थे। तो बीरबल कभी भी किसी भी प्रश्न को मना नहीं करते थे कि मेरे बस की नहीं है, हमेशा हाँ करते थे, है ना। तो बीरबल बादशाह अकबर की मन की बात समझ गए कि भाई बादशाह क्या कहना चाह रहे हैं, वो मेरी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं, है ना। तो भाई बुद्धि की परीक्षा में बीरबल बड़े चतुर थे, बहुत ही समझदार थे। क्या क्या उन्होंने, वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। तो लकड़ी उठाई उन्होंने और बादशाह अकबर के पास पकड़ाई, कहा कि देखो चुटकी बजाती मैं इस लकड़ी को छोटा करूँगा, लेकिन हाँ लकड़ी को काटूँगा नहीं। और बादशाह ने भी कहा कि देखो भैया बीरबल, लकड़ी कटनी नहीं चाहिए लेकिन छोटी होनी चाहिए। तो क्या करना है, देखो कितना कमाल का बीरबल का जवाब था। तो बादशाह को लगा कि भाई बीरबल नहीं बता पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो कैसे, बादशाह अकबर ने पूछ लिया कि वो कैसे भला। तब बीरबल ने वही पास में पड़ी हुई एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है, मतलब जो पहले बादशाह ने लकड़ी पकड़ाई थी किसको छोटी करना है। बीरबल ने क्या करा, उससे बड़ी एक लकड़ी बाहर से दूसरी ले आए और बादशाह को पकड़ाया, कहा देखो बादशाह अब आप बताओ कि इनमें छोटी कौन है। तो समझ गए हमारे बादशाह जी भी। अब बादशाह को बोलना पड़ा, भाई देखो छोटी तो वही है जो मैंने पहले दी थी आपको, और बिना तोड़े बिना काटे आपने इसे छोटी कर दिया। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई
वीरबल तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। देखो क्या होता है, कई बार हमारे पास कोई सवाल आता है, कोई प्रश्न आता है, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार ये सवाल कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, बड़ा सा काम है, कोई मुसीबत आ गई, समस्या आ गई, तो हम घबरा जाते हैं। तो बीरबल और अकबर की जो कहानियाँ हैं ना, वो हमें हर सिचुएशन में जीना सिखाती है कि देखो मुसीबत कोई भी बड़ी नहीं होती है, आप बीरबल की तरह सोचो तो आप हर समस्या का, हर प्रश्न का समाधान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। पहला है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस कहानी को आपको कॉपी पेन से नहीं बल्कि एक मोबाइल लेंगे और मोबाइल को यूँ तिरछी पकड़ना है आपने, और जैसे ऐसे लैंडस्केप में मोबाइल को पकड़ें, और सामने क्या करना है आपने, इस कहानी को पढ़ना है और सस्वर यानी कि बड़े आराम से अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि समझ में आए। और इस कहानी को क्या करना है, एक वीडियो बनानी है छोटी सी और अपने टीचर को सेंड कर देना, जो भी आपके हिंदी के टीचर हैं, लाइक अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो मुझे सेंड करेंगे, जिसकी भी क्लास में पढ़ते हैं उन टीचर्स को आप सेंड करेंगे और बोलना कि आशीष सर ने ऐसा करने को कहा है। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ व उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक, टीचर या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ पूछ सकते हैं। तो देखो ये जो देखो, इसमें मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई ये वाला अर्थ या शब्द बड़ा कठिन है, ये आपके अकॉर्डिंग। तो एक बार देखो इसे, पढ़ो इसे पूरा और मुझे बताओ कि आपको इनमें से सबसे टफ कौन सा लगा। थोड़ी देर वीडियो रोके और मुझे बताएं कि इसमें कौन सा, जैसे इसमें बुद्धि आपको टफ लग सकता है, इसमें खरा आपको मुश्किल वर्ड लग सकता है, टहलना मुश्किल लग सकता है ना। लेकिन कुछ शब्द आपके लिए बड़े आसान होंगे, लेकिन छठी, सातवीं, आठवीं तीनों क्लासेस के लिए, तो ये किसी बच्चे के लिए टफ, किसी के लिए आसान हो सकता है। तो इसी तरह से आपको कौन सा शब्द कठिन लगा, कौन सा टफ, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं सबसे मुश्किल शब्द आपको कौन सा लगा। और अगर आप सारे अच्छे थे तो आप मुझे लिखेंगे कमेंट में कि सर मुझे सारे शब्द अच्छे लगे, कोई भी कठिन नहीं लगा। उसके बाद थर्ड है, इस कहानी को अकबर और बीरबल दो पात्र हैं। कहानी में कौन है, अकबर है, एक बीरबल है। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलें। मान लो आप अकबर हो गए, आप अपने घर के मेंबर को किसी को बीरबल बनाइए, या आप अपने घर के मेंबर को बीरबल बनाइए और आप अकबर हैं। अब आपको क्या करना है, इस कहानी में रिकॉर्डिंग करनी है और डायलॉग बोलना है। जैसे लाइक मैं अकबर हूँ तो आप बीरबल हो, मैंने कहा आपसे ऐसी लकड़ी आपके हाथ में पकड़ाऊँगा और बोलूँगा बीरबल बताइए, इस लकड़ी को बिना काटे इसको छोटा करना है, कैसे करेंगे आप। फिर जो बीरबल बना होगा आप बोलोगे जी जहाँ अपना, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ बिना काटे। तो फिर मैं बोलूँगा मैं बादशाह हूँ। लेकिन बीरबल वो कैसे भला, कैसे करोगे। तो फिर आप बीरबल हैं, आप एक बड़ी सी और लकड़ी लेके आएंगे और मेरे हाथ में, जो भी आपकी अकबर बना है अकबर के हाथ में पकड़ाया, और कहेंगे देखो जहाँ अपना, ये अब आपकी वाली लकड़ी छोटी हो गई जो कि मैंने काटी भी नहीं थी। और इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और इसकी भी आप वीडियो बनाएंगे मेरी क्लास में तो मुझे सेंड करेंगे। ध्यान रखना, फ़ोन को आपने लैंडस्केप में पकड़ना है और कहीं स्टैंड में रख देंगे ताकि आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे। और देखना कि अगर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही है तो आप इसे अच्छे से दोबारा रिकॉर्ड करें। चौथा सवाल है, इस कहानी को पढ़ करके बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उनके दो या तीन वाक्य में लिखेंगे। कहानी में आपने बीरबल को देखा, बहुत ही चतुर हैं बीरबल, तो चलिए मैंने दो तीन लाइन लिखी है, दिखा देता हूँ आपको। चलिए प्रश्न नंबर चार में आपने क्या करना है, इस तरह से लिखेंगे बीरबल की विशेषताएं। और देखो मैंने लिखे यहाँ पर, पहला, बीरबल हमेशा हाजिर जवाबी थे, यानी कि जो भी बीरबल से पूछा जाता था चुटकी में जवाब देते थे, हाजिर जवाबी। आप में से भी बहुत सारे बच्चे हाजिर जवाबी होंगे, यानी कि आपसे कोई सवाल पूछा और तुरंत जवाब देना है ना। आपकी कमीज़ में कितने बटन हैं, तो आपने गिना, आपने कमीज़ नहीं पहनी है, आप कहोगे मैंने कमीज़ पहनी नहीं है, मगर अगर आपने पहनी है तो आप गिने नहीं, आप ऐसे बोलो सात, हो सकता है कम होंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन आप हाजिर जवाबी आपको होना चाहिए। दूसरा सवाल है, दूसरा इसका बीरबल की विशेषता है कि बीरबल किसी भी प्रश्न, सवाल, मुसीबत से डरते या घबराते कभी भी नहीं थे। अक्सर कोई सवाल आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है या प्रश्न आ जाता है तो हम डर जाते हैं,
यार किस टाइप का सवाल है ये। लेकिन बीरबल कभी भी किसी भी सवाल या जवाब से डरते घबराते नहीं थे, बल्कि उसके समाधान तक पहुंचते थे। और तीसरा लिख दिया कि बीरबल के पास हर समस्या का समाधान रहता था, क्योंकि वो दिमाग से सोचते थे, राइट। तो चलिए मुझे ज़रूर कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करेंगे। और हाँ, आप मुझे ज़रूर बताएं कि बीरबल में आपको और कौन सी अच्छी बात लगी जो कि इन तीनों में से हटके है। कोई आप बात आपको बीरबल में बहुत अच्छी लगी होगी जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया, तो आप उसे कमेंट में लिखेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और हाँ, सबसे पहले वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो यार कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपको सबसे पहले वीडियो मेरे चैनल पर मिलती है। तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।